نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. هي سورة المائدة آية مباركة 44. इन्ना अनज़लना तौरा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हमने तौरात नाज़िल की, फीहा हुदा व नूर, जिसमें हदायत भी थी और नूर भी, यहकुम बिहा, इसके जरिए फैसला किया करते थे नबी जून, अल्लाह के नबी, अल्लदीना असलमू, जो कि खुद मुसलमान थे, मुस्लिम थे, लिल्लदीना हादू, उन लोगों के लिए जो यहूदी बन गए थे, वह रब्बानियून, और रब्बानी, रब्बानियून रब्बानी की जमा है, रब्बानी कहते हैं उलमा को, वल अहबार, अहबार भी खिबर की जमा है, और ये कहते हैं फुकहा को, फुजा को, फैसला करने वालों को, बिमास्तुहफिजू मिन किताबिल्लाह, इस वजह से कि उन्हें मुहाफिज बनाया गया था अल्लाह की किताब का, वकानु अलैहि शुहदा, और वो शुहदा भी थे इसके, फला तख्शवुन्नास, बस आप लोगों से ना डरें, बख्शों मुझसे डरें, वला तश्तरू बी आयाती, और ना बेचें मेरी आयतों को समनन कलीला, थोड़ी कीमत के बदले, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो फैसला ना करें अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक, फाउलाइका हुमुल काफिरून, ऐसे ही लोग काफिर। ये आयत मुबारक बहुत सारे अहम मज़ामीन पर मुश्तमल है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि तौरात को मैं ही भेजने वाला था, इन्ना अंज़लना तौरा, तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आई, फीहा हुदा व नूर, उसमें हदायत भी थी और नूर भी था, और इसमें कोई शक नहीं कि तौरात अल्लाह की किताब थी, और ये ऐसी किताब थी कि जो पूरी शरीयत थी, जिस तरह हमारे पास कुरान मजीद है, कुरान मजीद शरीयत की किताब है, मुकम्मल किताब है अल्लाह की तरफ से, इसी तरह जो तौरात है ये भी पूरी किताब थी, शरीयत की किताब थी, और इसको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए भेजा, और अल्लाह ने फरमाया फीहा हुदा व नूर, उसमें हदायत भी मौजूद थी और नूर भी मौजूद था, नूर से मुराद जो अल्लाह के अहकाम जो रोशनी देते हैं हमें मुख्तलिफ मामलात में चलने की, फैसला करने की, वो हमारी राह हमें दिखाते हैं, इसलिए उनको नूर कहा, और हदायत इसलिए कहा कि ये हमें सीधी राह की तरफ लेके चलती है अल्लाह की किताब, वो राह जो कि अल्लाह के साथ जाके मिला देती है बंदे को, जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है, इसलिए इनको हदायत कहा गया। यहकुमु बिहन नबियून, और अल्लाह के जो नबी बन इसराइल के तरफ आए, वो भी इसी किताब तौरात के मुताबिक लोगों के दरमियान फैसले फरमाया करते, लोगों के दरमियान कोई भी मामला हो जाता तो वो तौरात के मुताबिक उसकी रोशनी में लोगों के दरमियान फैसला करते हैं। अल्लदीना असलम, और अल्लाह ताला ने सिफत बयान फरमाई नबियों की कि जो अल्लाह के नबी थे सारे के सारे मुसलमान, अल्लदीना असलम, अल्लाह के सारे नबी मुसलमान, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, वो समझते हैं कि शायद अल्लाह के नबी ये किसी और दीन पे आए थे, उनका कोई और दीन था, ऐसा नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए हैं उन सब का एक ही दीन था, दीन इस्लाम के सारे के सारे। लिल्लज़ीना हादू, ये भी बात समझने वाली है, फैसला किन के दरमियान करते थे, उन लोगों के दरमियान जो कि यहूदी बन गए थे। यहूदियों का जिक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद में करते हैं तो इस तरह नहीं कहते कि हमने उनको यहूदी बनाया था, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो यहूदी खुद बन गए थे, अल्लाह ने उनको मुसलमान बनाया था, अल्लाह ने उनकी तरफ दीन इस्लाम भेजा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें अल्लाह के दीन की पकड़ी, कुछ चीज़ें इधर से, कुछ चीज़ें उधर से, कुछ अपनी ख्वाहिशात को शामिल किया,
और एक अवीजा बना दिया नए दीन का। तो इसको अल्लाह ताला ने कुफर कहा, गुमराही कहा, शिरक कहा, और इसीलिए अल्लाह ताला इनका तذکرہ जब करते हैं तो कहते हैं वो या अय्युह الذین हादू, ऐ वो लोगों जो कि यहूदी बन गए, यानी अल्लाह ने इनको यहूदी नहीं बनाया था, इन्होंने खुद दीन इस्लाम को छोड़कर अल्लाह ने इनकी तरफ भी दीन इस्लाम भेजा था। इसी वजह से अल्लाह ने इनके नबियों का जिक्र फरमाया तो कहा यहकुम बिहन नबीयून الذین اسلم, कि इनके तरफ जो नबी आए वो मुसलमान थे, और क्या चीज लेके आए, इस्लाम लेके आए, दीन इस्लाम। लेकिन जो इनके मानने वाले थे लिल्लदीन हादु, वो यहूदी बन गए, वो इस्लाम पे कायम ना रहे, उन्होंने इस्लाम की राह को इख्तियार ना किया। तो ये बड़ी चीज समझने वाली है जो कुरान का उसलूब बात करने का, ये बहुत बड़ी सारी चीजें यही समझा देता। व रब्बानी, रब्बानी उनके जो उलमा थे, दीनी पेशवा थे, मजहबी पेशवा थे, रहनुमा थे, उनको कहा गया। वल अहबार, अहबार हिबर की जमा है, ये कहते हैं फुकहा को, फैसला करने वालों को, काजियों को, जजों को भी अखबार कह देते हैं। बिमस्तुहफिजु में किताब, इस वजह से कि उन्हें मुहाफिज बनाया गया था अल्लाह की किताब। क्योंकि ये बात भी समझने वाली है कि तुरात की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद नहीं लिया था, जिस तरह कुरान के बारे में फरमाया ना सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, अल्लाह ने फरमाया ये किताब कुरान मजीद उतारने वाला मैं हूँ और मैं ही इसकी हिफाजत कर। लेकिन ये चीज़ अल्लाह ने तौरात और दूसरी किताबों के बारे में नहीं कही थी। उनके मुहाफ़िज़ अल्लाह ने किनको बनाया, जो वक्त के नबी थे, जो उनके उलमा थे दीन के, जो उनके जो है फुकहा थे, जो उनके फैसला करने वाले गुजात थे, काजी थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो हिफाजत करें अल्लाह की किताब की, तौरात की। तो ये फ़र्क है इनके अंदर और जो है कुरान मजीद के अंदर, कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनके वक्त के नबी करते थे, उनके रब्बानी करते थे, और उनके जो फैसला करने वाले थे, अहबार थे, फुकहा थे, कुजा थे, उनके उनके जिम्मे अल्लाह ने लगाया था कि तुमने अल्लाह की किताब की हिफाजत करनी है। लेकिन कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने मामले को बदल दिया। कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ने ना नबियों के जिम्मे लगाई, ना उलमा के जिम्मे लगाई, ना फुकहा के जिम्मे, ना काजियों के जिम्मे। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद जो है ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, अपने जिम्मे ले लिया। तो वजह ये बनी कि अल्लाह के नबी तो जब तक हयात रहे वो तो अल्लाह की किताब की हिफाजत करते रहे, दम देते रहे, उनको जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी, तो अल्लाह के नबी उन्हें जान की कुर्बानी भी दी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और बाकी अल्लाह के इतने बड़े नबी, उन्होंने जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन अल्लाह की शरीयत के अंदर, अल्लाह के अहकाम के अंदर उन्होंने फ़र्क नहीं आने दिया। याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो वक्त का बादशाह था, वो उनसे कोई अपनी मर्जी का फतवा लेना चाहता था, और वो फतवा जो है अल्लाह की किताब के खिलाफ था। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने पहरा दिया अल्लाह की किताब की हिफाजत की, और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन अल्लाह की किताब की हिफाजत कर गए, इसके खिलाफ फतवा नहीं दिया उन्होंने। तो बाद में जब अल्लाह के नबियों का सिलसिला मुनक़ता हो गया, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की किताब की हिफाजत करते रहे, वो भी पहरा देता रहे अल्लाह की किताब पर जब तक हयात रहे। लेकिन उनके जाने के बाद तकरीबन 600 साल का अरसा, 6 सदियों का अरसा ऐसा आया जिसको ज़माना फितरत कहते हैं। अल्लाह ताला ने भी इसका पिछली आयत में जिक्र फरमाया था कि एक फितरत का ज़माना गुजरा 6 सदियों के करीब का, जिसमें जो है नबी नहीं आए बनी इसराइल की तरफ। तो इस ज़माने में जो दीन की ठेकेदारी थी वो आ गई थी यहूदियों के आलमों के पास और उनके फुकहा के पास, उनके फकीहों के पास, उनके काजियों के पास। तो लिहाजा इनके अंदर वो तकवा नहीं था जो अल्लाह के नबियों के अंदर होता है, वो ईमान नहीं था इनके अंदर जो अल्लाह के नबियों के अंदर होता है। तो अल्लाह के नबी तो जब तक आते रहे बनी इसराइल के अंदर, वो तो अल्लाह की किताब की हिफाजत करते रहे, इस पर पहरा देते रहे। लेकिन जैसे ही नबियों का सिलसिला बनी इसराइल की तरफ आना मुनक़ते हुआ, 600 साल का अरसा ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ऐसा आया कि उसमें बनी इसराइल की तरफ कोई नबी नहीं आया। तो ये जो अरसा था, इस अरसे के अंदर जो किताब थी अल्लाह की तौरात, वो आ गई इनके मजहबी पेशवाओं के हाथ में, इनके उलमा के हाथ में, इनके फुकहा के हाथ में, इनके काजियों के हाथ में। उन्होंने फिर जी भर के अल्लाह की किताब में तहरीफ की,
लफ्जी तहरीफ भी की, मानवी तहरीफ भी की, इसके लफ्जों को भी बिगाड़ा, इसके मतलब को भी बिगाड़ा, और अब लोगों से जो है पैसे लेके तो उनकी मर्जी के फतवे दे देते, अल्लाह की किताब को छुपाते भी थे और गुम भी कर देते थे, इसके अंदर इजाफा भी कर देते थे, इसमें से आकाम गैब भी कर देते, यानी इतने जो है ये सख्त लोग थे। तो जो है ये फरमाया कि मैं किताबी लबकान हो ले शुहदा, अल्लाह ने तो जिम्मेदारी लगाई थी हिफाजत की, ये पहरा देंगे अल्लाह की किताब पे, और वकान अले शुहदा और शहादत की जो है इनकी जिम्मेदारी, शहादत का मनसब जिसकी मैंने पहले भी वजाहत की मुख्तलिफ मुकामात पे, कि जो शहादत का मनसब है ये सिर्फ दो ही कौमों को इंसानी तारीख के अंदर मिला है, एक बनी इसराइल की कौम को ये मनसब दिया गया, और जब उन्होंने अपने आप को ना अहल साबित कर दिया कि हम इस मनसब के अहल नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उनको माजूर कर दिया, और फिर उसके बाद ये मनसब अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदी को अता किया। अब शहादत अलन्नास और कायमीन बिल्किस्त, ये जिम्मेदारी अब उम्मत मुहम्मदी की, और जो है इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना और गवाही देना कि ये अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह की किताब है, तो ये जिम्मेदारी जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और ये जहाँ एक एजाज है वहाँ एक जिम्मेदारी भी है, तो ये उनको दी गई थी, और साथ अल्लाह ताला ने ये भी उनको तकीद कर दी थी फला तख्शा मुन्नास, के लोगों से ना डरना अल्लाह के दीन के मामले में, अल्लाह की किताब पर अमल के मामले में, बख्शो मुझसे डरना, बस बख्शो सिर्फ मुझसे डरना, यानी दुनियादार तुम्हारे पास पैसे लेके आए, तुम्हारे पास दूसरे लालच लेके आए कि अल्लाह की किताब को बिगाड़ के तुम उनको फतवे दे दो, अल्लाह की किताब के अंदर हेरा फेरी कर दो, तो फरमाया कि नहीं, तुमने सिर्फ अल्लाह वाहिद का डर करना है, और जो है किसी और का आपने डर नहीं रखना। वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला, और ख़ास तौर पे अल्लाह को अंदाज़ा था कि ये कौम रिश्वत लेके अल्लाह के हुक्मों को बेचेगी, तो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तकीद फरमा दी, वला तश्तरू बि आयाति, मेरी आयतों को ना बेचना समनन कलीला दुनिया की कीमत लेके, दुनिया की जितनी मर्जी कीमत मिल जाए थोड़ी होती है, तो ये ख़ास तौर पर अल्लाह ने तकीद की, और जिस चीज़ की अल्लाह ने इनको तकीद की इन्होंने वही काम किया, यानी मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि यहूद को बनी इसराइल को अल्लाह ने जो भी हुक्म दिया उन्होंने लाजमन अल्लाह के उस हुक्म की नाफरमानी, यानी जो है मैं कहता हूँ वो यहूदी नहीं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना करे, जो भी अल्लाह ने इस कौम को हुक्म दिया इन्होंने लाजमन नाफरमानी की उसकी। तो अब अल्लाह ने इनको जो है पैसे लेके अल्लाह की आयतों को बेचने से मना किया था, झूठे फतवे देने से मना किया था, इन्होंने वही काम किया, इन्होंने खूब पैसे बटोरे लोगों से, रिश्वत लेके अल्लाह के हुक्मों को जो है इन्होंने बदला, और लोगों की मर्जी के मुताबिक फतवे जारी किए, लोगों की मर्जी के मुताबिक अल्लाह के हुक्म को दिए, असल किताब को छुपा भी देते थे, गैब भी कर देते थे, तहरीफ भी कर देते थे, मिटा भी देते थे, और नई बातें शामिल भी कर देते थे। وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, और अल्लाह ताला ने ये बात उनको बता दी थी कि जो मेरे नाजिल किए हुए हुक्मों के मुताबिक फैसला नहीं करेगा लोगों के दरमियान, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, अल्लाह ने कह दिया था कि यही लोग काफिर हैं। وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, और ये बात भी अल्लाह ताला ने तौरात के अंदर लिख दी थी, अन्न नफ्स बिन्नफ्स, कि नफ्स के बदले नफ्स, यानी कोई जान, इसको कानून कसास कहते हैं, कि अगर कोई नाहक किसी को जान से मारता है तो उसके बदले में उसके किसास में कातिल को कत्ल कर दिया जाता है। वल आईना बिल आईन, कोई अगर किसी की आंख फोड़ता है तो उसके बदले में उसकी आंख फोड़ दी जाती है। वल आंफा बिल आंफ, अगर कोई किसी की नाक को नुकसान पहुंचाता है तो उसके किसास में उसकी नाक जो है काट दी जाती है। वल उजुन बिल उजुन, इसी तरह को किसी के कान को नुकसान पहुंचाता है तो उसी तरह का नुकसान उसके कान को पहुंचाया जाता है। वसिन बिसिन, इसी तरह दांत के बदले दांत, यानी कोई किसी का दांत तोड़ता है उसको नुकसान देता है तो उसी तरह का फिर उससे किसास लिया जाएगा। वल जुरूह किसास, और इसी तरह जो और जख्म है, कोई किसी को पत्थर मारता है या कुछ और जो है जख्म देता है तो
उसका किसास भी उसी तरह का अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया था। फमा तसद्दा के भी कफारा फहुआ कफारा, और अगर कोई माफ कर दे यानी जो है जिसके साथ जुल्म हुआ है ज्यादती हुई है, तो इसमें जो है फरमाया कि अगर वो कुछ माफ करना चाहे फहुआ कफारा, तो वो कफारा बन जाएगा उसके लिए। अब यहाँ पे जो लहू की ज़मीर मजरूर है इसके बारे में दो कौल मुफस्सरीन के यहाँ मिलते हैं। एक ग्रो मुफस्सरीन का कहता है कि इससे मुराद जारे है, काते है और कातिल है, कि अगर उसको कोई माफ़ी मिलती है तो वो उसके लिए कफारा बन जाती है। तो ये तो बात अंडरस्टूड है कि जब भी कोई माफ़ी मिलेगी तो उसको जो है कफारा बन जाएगी उसके लिए, ये बात अंडरस्टूड है। दूसरा जो मुफस्सरीन का ग्रोह है वो कहता है कि इससे मुराद इसका मर्जे जो है मजरू है और मकतू है और मकतूल है। तो ऐसी सूरत में हदीस मुबारका भी मुझे पढ़ने का मौका मिला, उसमें फरमाया कि जो कोई माफ करता है ये जो किसास का कानून है इसके तहत कोई चीज़, तो उसके बदले में माफ करने वाले के लिए वो कफारा बन जाता है माफ करना, यानी अल्लाह ताला उसके इवज में इसके गुनाहों को माफ करता है, अल्लाह ताला जो है इसको कफारा जो है उसका अता फरमा देते हैं। और ये दोनों चीजें मुझे ठीक लग रही हैं, मुफस्सरीन के जो दोनों ग्रोह हैं मुझे उन दोनों का मतलब यहाँ पे ठीक लग रहा है, दोनों के लिहाज से मज़ामीन जो है बिल्कुल ठीक है, अपनी लाइन के मुताबिक है, सही मुताबिक है दोनों के। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो कोई फैसला ना करे अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्मों के मुताबिक, फाउलाए का मुजालिमून, ऐसे ही लोग ज़ालिम हैं। ये बड़ी जो है ना अलर्ट कर देने वाली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जो अपने हुक्म नाजिल किए हैं, अपनी किताब नाजिल किए हैं, ये हंसी मजाक नहीं है, बल्कि इसलिए अल्लाह ने ये नाजिल किए हैं कि इनके मुताबिक लोग चले, अपने मामलात अपने जो इनके कजाया हैं वो इनके मुताबिक सॉल्व करें, इनके मुताबिक सेटल करें। और जो ऐसा नहीं करते उनको पिछली आयत में 44 में अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोग ही काफर हैं, और ये 45 अगली आयत में कहा कि ऐसे ही लोग जालिम हैं, और फिर एक आयत छोड़ के उससे अगली जो 47 आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फाउलाई हमुल फासिकून, ऐसे ही लोग फासिक। ये फासिक का जो लफ्ज़ है ये फिकही फासिक फिस्क नहीं है, बल्कि ये कुरानी फिस्क है, और कुरान फिस्क का माना कुफर के, शिरक के और अल्लाह के दीन से निकल जाने के मानों में इस्तेमाल करता है। وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, और इनके बाद हमने ईसा बिन मरियम को भेजा, مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, जो कि तस्दीक करते थे उस चीज़ की जो उनसे पहले आ चुकी थी, मिन तौरा, यानी वज़ाहत करते कि क्या आ चुका था उनसे पहले, तौरात आ चुकी थी, उसकी तस्दीक करते थे ईसा बिन मरियम। अब तस्दीक जो है ये दो पहलुओं से है, एक तो ये कि ये तौरात के जो अहकाम उनके ज़माने तक बचे थे जो ठीक थे, और उनके ज़माने तक तौरात के अच्छे अहकाम बचे हुए थे, यानी उस वक्त तक इतनी गड़बड़ तौरात के अंदर नहीं हुई थी जितनी बाद में हुई है, क्योंकि अल्लाह के नबियों का सिलसिला जारी था, अल्लाह के नबी आए जा रहे थे, तो उनको तौरात के अंदर उनके जो है उलमा को, उनके फुकहा को, उनके गुजा को गड़बड़ करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक तौरात की हालत अच्छी थी, तो उन्होंने आके तस्दीक की, एक तो उन्होंने कहा कि जो ठीक है तौरात के अहकाम है अल्लाह की तरफ से है और जो है ठीक है सच्चे, एक ये तस्दीक का मतलब है। दूसरा तस्दीक का मतलब ये है कि जैसे तौरात के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया था, तो जो है बताया था इनकी सिफात क्या होंगी, इनकी जो है सहाबा इकराम की सिफात क्या होंगी, साथ ही अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा फरमाया था तौरात के अंदर कि मैं इस तरह जो है ऐसे अपने नबी भेजूंगा उनकी ये सिफात होगी। तो अब मसीह अलैहिस्सलाम का आ जाना ये तौरात के अपने मजामीन की तस्दीक थी, ये दो पहलू हैं तस्दीक के जिनको समझना ज़रूरी है। वआतैनाहुल इंजील, और ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील हमने अता की, ये किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने भेजी, ही हुदा व नूर, इसमें भी हदायत और नूर थी, और मुसद्दिकन लिमा बैना यदैही मिन तौरा, और ये भी तस्दीक करती थी उस चीज़ की जो इससे पहले तौरात में आ चुकी थी।
तो इसके भी तस्दीक के वही दोनों पहलू सामने रखने वाले हैं जिसका मैंने मसीह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जिक्र फरमाया, वहुदा व मौइज़त लिलमुत्तकीन। और ये जो हदायत और मौइज़त है ये इंजील के सिफात है, क्योंकि तौरात की सिफात पहले आ चुकी हैं और यहाँ ये जो हदायत और मौइज़त लिलमुत्तकीन की सिफात है ये इंजील के लिए इस्तेमाल हुई, कि इंजील में भी हदायत थी और मौइज़ा थी, नसीहत के लिए अल्लाह से तकवा रखने वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। बल यहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फी, फिर अल्लाह ताला ने इंजील के मानने वालों को भी यही हदायत की कि तुम्हें भी जो है चाहिए कि अपने फैसले इंजील के मुताबिक करो, जो अल्लाह के अहकाम इसमें आए हैं उनके मुताबिक। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले ना करे, फौलाए का मुल फासिकून, ऐसे ही लोग फासिक हैं। इसकी मैंने अभी वजाहत की कि ये कुरानी फिस्क है जिससे मुराद जो है कुफर शिरक और दीन से निकल जाना खुरूज मुराद है। वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक, और इसी तरह ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ ये किताब कुरान मजीद हक के साथ नाजल की है, बरहक नाजल की है, कोई हंसी खेल मजाक नहीं है, ये खास मकसद के साथ भेजी गई है। मुसद्दिक लिमा बैना यदै, ये तस्दीक करती है उसकी जो इससे पहले आ चुकी है, मिनल किताब, किताब में से। अब जो है अल किताब कुरान मजीद तौरात को कहता है, यानी अल किताब का लफ्ज दो ही किताबों के लिए इंसानी तारीख में इस्तेमाल हुआ है कुरान ने जो किया, एक तौरात के लिए और दूसरा कुरान मजीद के लिए। तो जब ये तौरात के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल है, तो वहाँ इससे मुराद जो तौरात खालिस तौरात थी, असली तौरात थी जो अल्लाह ताला की तरफ से आई थी, वो मुराद है। जो आजकल इसके अंदर गड़बड़ है, तहरीफ है और बहुत पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात इसकी ठीक है कौन सी गलत है, तो कुरान की रोशनी में जरूर समझ आ जाती है। जिनको कुरान का इलम है वो तौरात पढ़ते हुए समझ जाते हैं कि ये बात अल्लाह की तरफ से है और ये बात इसमें जो है शामिल की गई है, ये गड़बड़ की गई है। तो जो कुरान अल किताब का लफ्ज तौरात के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो जो सही तौरात थी उसके लिए ये लफ्ज कुरान इस्तेमाल करता है। तो अब फरमाया कि ये कुरान जो है ये भी मुसद्दिक है अपने से पहले किताब की, तौरात की। अब इसकी भी तस्दीक के वही माना है जो मैंने अभी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में बयान फरमाया, कि मैं उनको दोबारा दोहराता हूँ। एक तो इसका पहलू तस्दीक का ये है कि कुरान जो मजामीन बयान करता है वो कहता है कि ये तौरात में भी ये मजामीन थे और ये अल्लाह की तरफ से, ये तस्दीक है कुरान की तरफ से तौरात की। और दूसरी तस्दीक ये कि तौरात के अंदर भी ये चीज़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई थी कि इस तरह मैं आखिरी नबी भेजूंगा, उनकी ये सिफात होंगी, उनके पैगाम मानने वालों की ये सिफात होंगी, उसकी किताब की ये सिफात होंगी, और इनका आ जाना ये तौरात के अपने मजामीन की तस्दीक थी। तो ये दो पहलू इस हवाले से की जरूरत है। वह मुहैमिन अली, और ये मुहैमन थी, मुहैमन कहते हैं मुहाफिज किसी की जो है निगेबान, और ये मुहैमन इस लिहाज से ये स्टैंडर्ड है, एक तरह का कसवटी है कुरान मजीद। अब मैंने जिस तरह पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर कुरान मजीद ना आता तो हमारे लिए दुनिया में हदायत नहीं थी, हमें हदायत दुनिया में कहीं से नहीं मिलनी थी। तौरात, इंजील, जबूर ये मुहर्रफ है, इनके अंदर तहरीफ इनके मानने वालों ने कर दी है, अल्लाह ताला ने भी उसका बारह तस्करा फरमाया। तो कुरान की रोशनी के बगैर इनको नहीं समझा जा सकता। हमारे पास कुरान का जो है फैज है, कुरान की रोशनी है, तो हमें समझ आती है कि उन किताबों के अंदर कौन से मजामीन ठीक हैं, कौन से गड़बड़ हैं, मुहर्रफ हैं। तो अगर ये रोशनी ना होती, ये कसमटी ना होती, मयार पे माना ये हमारे पास ना होता, तो हम तौरात, इंजील, जबूर का सही और गलत नहीं पहचान कर सकते। फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, अब यही हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में हमें दिया और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मुखातिब अव्वल थे कुरान के, उनकी वसादत से फ़हकुम बैनहुम, के आप फैसला करें इनके दरमियान, बिमा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया यानी कुरान मजीद इसके मुताबिक, यानी वही पैटर्न कि जो पहले भी मैं इसका तस्करा करता रहता हूँ कि जो यहूद नसारा का अल्लाह ताला तस्करा करता है,
तो वो इसलिए नहीं कि आप मजे ले ले कि हम लोग उनको सुनते रहे कि वो तो जी उनका तस्करा है, यहूद का तस्करा है, अहले किताब का है, नसारा का है, हमें क्या लेना देना, नहीं ऐसा नहीं। अल्लाह ताला तस्करा उनका करता है, सुनाता हमें कि देखो जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया, तुमने अल्लाह की किताब के साथ ऐसा नहीं काम करना, अगर तुम करोगे तो जो अंजाम उनका हुआ वही तुम्हारा होगा। और वही उसलूब जहाँ पे हमारे कुरान जो उनको तौरात के बारे में, जो ईसाइयों को इंजील के बारे में अल्लाह ने हदायत की, वही हमें कुरान के बारे में, फहकुम बैनहुम बिमा अनज़ल अल्लाह, कि आप भी इस किताब कुरान मजीद के मुताबिक फैसला करें लोगों के दरमियान, वला तत्तबि अहवा, और लोगों की अहवा इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, अम्मा जाअका मिनल हक, इसके बाद कि आपके पास हक आ गया, कुरान आ गया, हदायत आ गई आपके रब की तरफ से। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने तुम में से हर एक के लिए शरीयत बनाई, मिनहाज बताया, तरीका बताया। वलो शाह अल्लाह, अगर अल्लाह की मशीयत होती, लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, वलाकिन लियब्लुवकुम, लेकिन जो उसने ये जो है इख्तियार फरमाया तरीका जो हमें नजर आया दुनिया के अंदर, ये इसलिए वलाकिन लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हारी इब्तला करे, फीमा आता को जो जो कुछ उसने तुम्हें दिया है, हर एक को जो जो दिया है उसके अंदर इब्तला करे, फस्तबिकुल खैरात, लिहाजा तुम्हारे करने का काम ये है कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जिस स्टेज पे तुम हो, तुम उसके अंदर आगे सबकत ले जाने की कोशिश करो, खैरात के अंदर, नेकियों के अंदर। अब ये आयत मुबारक पढ़ते हुए मेरे सामने जो है कुरान मजीद की वो पिछली आयत मुबारक आ रही थी, जो कि है सूरत निसा के अंदर, सूरत निसा की आयत नंबर 32 है, जिसमें फरमाया वला ततमन्नौ मा फ़ज़ल्लल्लाहु बिही बअ'दकुम अला बअ्द, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीम। यही मजमून जो सूरत निसा की इस 32 आयत मुबारका का है, जो मैंने अभी तिलावत की, यही मजमून मुझे यहाँ पे मालूम हो रहा है इसी आयत मुबारका में, जो कि सूरत अलमाईदा की ये अभी जेर मुताले आयत है 48, इसके अंदर भी यही मजमून है। तो अब ये मजमून मैंने उस वक्त भी जब ये 32 आयत मुबारक मैंने सूरह निसा की तिलावत की थी, इसके मजामीन बयान किए थे, तो वहां भी मैंने इसकी वजाहत करने की कोशिश की थी कि कुछ चीजें अल्लाह ताला की तरफ से वही भी होती हैं इंसानों को, गॉड गिफ्टेड होती है, एक सेटअप अल्लाह ने पहले से बना के दिया होता है, उसको एज इट इज मानना पड़ता है, एज इट इज लेना पड़ता है, जैसे कि चीज हमें दी गई है। फिर उसके बाद आगे जो है खैरात के अंदर, नेकियों के अंदर सबकत करनी होती है। तो मैं अब इसका जो है थोड़ी सी इसको दोबारा मैं बयान करता हूँ, ये जो सूरह निसा की आयत नंबर 32 है, वला ततमन्नौ मा फज़लल्लाहु बिही बअ'दकुम अला बअ्द, कि तुम तमन्ना ना किया करो, ख्वाहिश ना किया करो उस चीज की कि जो अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है, यानी हर एक को गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज हर इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग दी हुई है, हर इंसान, और ये इंसान के बस में नहीं होता, यानी किस इंसान को अल्लाह ने मर्द बनाना है, किसको औरत बनाना है, ये कोई इंसान का बस तो नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक तयशुदा चीज है, अल्लाह ने जिसको चाहा मर्द बना दिया, जिसको चाहा औरत बना दिया, जिसको चाहा अल्लाह ने जिहन बड़ा काबिल दे दिया, जिसको चाहा अल्लाह ने जिस्मानी कुव्वत ज्यादा दे दी, जिसको अल्लाह ने चाहा आवाज अच्छी दे दी, किसी को चाहा अल्लाह ने जो है और जो है सिफात दे दी, किसी को अल्लाह ने कुछ रंग दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी के पैर किसी तरह के, किसी के हाथ किसी तरह के, किसी का कद किसी तरह का, किसी का कद मतलब जो है किसी और साइज का, किसी के मतलब जो है वजन कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, फिर कोई गरीब घराने में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घराने में पैदा हो रहा है, कोई गांव में पैदा हो रहा है, कोई शहर में पैदा हो रहा है, कोई किसी मुल्क में, कोई किसी मुल्क में, यानी इतना ज्यादा जो तफावत है, ये चीजें गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह की तरफ से देन है, इसमें इंसानों का कोई बस नहीं है, इंसानों का कोई कमाल नहीं है कि कोई मुसलमानों के घर अल्लाह पैदा कर दे, किसी को हिंदुओं के घर पैदा कर दे, किसी को ईसाइयों के घर पैदा कर दे, ये चीजें गॉड गिफ्टेड है। तो यार इसमें मना फरमाया कि तुम इसमें तमन्ना ना करो कि मुझे फलां जैसा क्यों नहीं बनाया, मुझे जो
जो है औरत क्यों नहीं बनाया, औरत कहेगी जी मुझे मर्द क्यों नहीं बनाया, वो ये कहे जी मुझे अल्लाह ने गरीब घराने में क्यों पैदा कर दिया, अमीर घराने में क्यों नहीं पैदा किया, और अमीर ये कहे कि जी मुझे अल्लाह ने अमीर घराने में क्यों पैदा किया, गरीब में क्यों नहीं किया। और जो यहूदियों के घर पैदा हो गया वो ये अब जो है अल्लाह से इतराज करना लग जाए कि अल्लाह तुमने मुझे यहूदियों के घर क्यों पैदा किया, मुझे हिंदुओं के घर क्यों नहीं पैदा किया, मुसलमानों के घर क्यों नहीं पैदा किया। यानी ये सारी चीजें जो है इनसे अल्लाह ने मना फरमाया, फरमाया कि ये जो बहुत सारी चीजें मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ तो तुम्हारा काम है कि इनको बस तस्लीम करो। ये मेरी एक स्कीम है जिसके तहत मैंने कायनात बनाई है और मैंने कायनात का निजाम चलाया है, तो जितनी चीजें मेरी तरफ से बनती हैं गॉड गिफ्टेड हैं, जो तुम्हें बगैर किसी तमन्ना के, बगैर किसी तलब के, बगैर किसी डिमांड के मैंने दे दी, फरमाया इनको एज इट इज लो, इन पे जो है हसद ना करो, रशक ना करो, रकावत ना करो एक दूसरे से, इनको जैसे भी मिल गई है इनको वैसे ही मानो, वला तमन्ना इसकी तमन्ना ना करो जो दूसरों को अल्लाह ने दूसरी चीजें दे दी तुम्हें और दे दी, पर मैं इनको एज इट इज ले लो। लिरिजाली नसीबुम मिम्मा कसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा कसबन। अब करने का काम यह है कि तुम अब अपनी जो भी पोजीशन है इससे आगे देखो, आगे जो अल्लाह के काम तुम पे जो है आयद हो रहे हैं उनको समझो और उनकी रोशनी में आपको जो है अल्लाह की हदायत पे चलो और अल्लाह में कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो। बस अल्लाह, अब अल्लाह से फजल उसका तलाश करो, उसके लिए तब दुआ करो, उसके लिए सबकत ले जाने की कोशिश करो। तो यही मजमून इस आयत मुबारका में जो जो है सूरह अलमाईदा की 48 आयत मुबारका यहाँ बयान फरमाया, फरमाया वलिकुल्ल जहन्नम मिनकुम शिराता व मिनहाज, कि हमने तुम में से हर एक के लिए एक रास्ता एक तरीका जो मुतय्यन किया। ये अल्लाह की मतलब जो स्कीम है, अल्लाह की तकसीम है जो उसने अपनी खास मशीयत के मुताबिक हिकमत के तहत दुनिया के अंदर नाफिज फरमाई। वलाउ शाह अगर अल्लाह की मशीयत इस तरह होती लजअलकुम उम्मतन वाहिदा कि वो तुमको एक ही उम्मत बना देता, तुम सबको यकसा बना देता, एक जैसे बना देता, तो अल्लाह की अगर मशीयत ऐसी होती तो अल्लाह ऐसा कर देता, लेकिन ये अल्लाह की मशीयत नहीं। अल्लाह की मशीयत ये है जो हमें नजर आती है जैसा कि अल्लाह ने किया। अब क्यों ऐसा किया उसकी हिकमत बता दी, वला कि यबलुवकुम फी मा आताकुम, कि तुम में से हर एक को अल्लाह ने जो जो कुछ दिया है, जो गॉड गिफ्टेड चीजें अल्लाह ने दी हैं, दुनिया की चीजें हैं या जिस्मानी हैं या जहनी हैं, जो भी सलाहियतें अल्लाह ने हर इंसान को दी है दुनिया के अंदर, पर मैं लियम लगा हूँ, उसमें मकसद इब्तला है, हर बंदे की इब्तला अलग हो रही है, हर बंदे की इब्तला अलग हो रही है और उसकी हो रही है जो क्वालिटीज जो सिफात अल्लाह ने उसको दी। फीमा आता आपने उसकी वजाहत भी फरमा दी, ये बहुत प्यारा मजमून है जो कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया के अंदर बहुत रहनमाई करता है और हमें इससे जो है बहुत सारे हमारे सवालात हैं उनका जवाब मिलता है इन आयात के। लिहाजा यहाँ भी वही फरमाया कि जो अल्लाह की तकसीम है उसको तुम मानो, उस पर ईमान लाओ और उस पर इतराज ना करो, उस पर तमन्ना ना करो कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली और मुझे ये क्यों मिल गई, ये चीजें जो है फरमाया कि तुम्हारी पूछने वाली नहीं है, तुम्हारे करने वाला काम ये है फस्तबिकुल खैरात, कि तुम्हारी इब्तला तुम्हारी जिन भी सिफात के अंदर चीजों के अंदर हो रही है अब तुम उनके अंदर सबकत ले जाने की कोशिश करो, फस्तबिकुल खैरात नेकियों के अंदर, अच्छाई के कामों के अंदर अब आगे बढ़ने की कोशिश करो, फंसता भी हो सबकत ले जाने की कोशिश करो। ये अल्लाह ने मैदान बता दिया और रास्ता बता दिया कि जिसमें आप तुमने कोशिश करनी है, इल्लाही मर्जीउकुम जमीअ अल्लाह की तरफ तुम सबका लौटना है, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, और फिर ये जो तुम्हारे आपस के इख्तलाफात हैं वो इनके दरमियान फैसला फरमाएगा कि जो तुमने कपले किए हुए थे दुनिया में वो जो है पता होता है कपड़े करने वालों को भी गड़बड़ करते हैं उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस दिन फिर जजा का दिन होगा और अमल का टाइम खत्म हो जाएगा और फिर जजा मिलेगी। वो अनहकुम बैनहुम बिमा अनज़लल्लाह, वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी कि जो अल्लाह ने तुरात के हामिलीन को तुरात भेज के हुक्म दिया, इंजील के हामिलीन को इंजील भेज के हुक्म दिया, वही अब कुरान के हामिलीन जो हम हैं हमें कुरान दे के भी अल्लाह वही हुक्म दे, कि आप अब लोगों के दरमियान फैसला फैसला करें। जी बेटे रख देते हैं, बेटे इधर रहना, यहाँ पर रख देते हैं, कि अब आप लोगों के दरमियान फैसला करें
इस कुरान के मुताबिक जो कुरान से अल्लाह ताला ने अहकाम जज़ा कर दिए हैं, क्या बड़ी खबर है जो अल्लाह ने कुरान कारी नाज़िल आएगा, है। कारी आएगा इधर भी कुछ और शेयर है। अच्छा आप ध्यान करना। हाँ शाह, तो ये जो है बेटे वहां से वो पकड़ लो है, ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब कुरान तुम्हारे पास भेजा है तो अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि अब जी बेटे नमाज के लिए आइएगा है कि अब फरमाया कि कुरान तुम्हारी तरफ भेजा है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कुरान के मुताबिक अब आप जिंदगी गुजारें, आपस के जो मामलात हैं मुख्तलिफ निजामात हैं इंफरादी और माशरती जिंदगी में जो रहनुमाई है अब इस कुरान से हासिल करें, वो अने बीन अब आप जो है तहकीम का फरीजा सर अंजाम दें लोगों के दरमियान अल्लाह की इस किताब कुरान मजीद के मुताबिक, वला तत्तबि अहवा और लोगों की अहवा की पैरवी ना करें, यानी वही चीज जिसका तौरात के हामिलीन को अल्लाह ने हुक्म दिया इंजील के हामिलीन को दिया वही अब हमें जो कुरान के हामिल है हमें भी अल्लाह ने हुक्म दिया वला तत्तबि कि अल्लाह के अहकाम पे अमल करने के सिलसिले में लोगों की ख्वाहिशात लोगों की जो मतलब जो है उनकी डिमांड है उसकी परवाह ना करें, लोगों का डर ना रखें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के दीन में गड़बड़ ना करें और बेकमोकाश अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए। वला तत्तबे यानी अब लोगों की जो अहवा है इनकी आप पीछे ना लगे और इनसे डरें भी ना, वही पहले अहले किताब को अल्लाह ताला ने जो हदायत दी थी अब वही हमारे लिए है वहज़र और जो है खास एहतियात करें अन यफ्तिनूका कि कहीं वो फितना में ना मुब्तला कर दें आपको अम बाद मा अंज़लल्लाहु इलैकुम कि जो अल्लाह ने अहकाम आपकी तरफ भेजे हैं उनके बारे में, जिस तरह अहले किताब के जो उलमा थे जो उनके फुकहा थे जो उनके गुज़ार थे जिस तरह लोगों से रिश्वत लेने लग गया और लोगों से पैसे लेके उनकी मर्जी के फतवे जारी करने लग गया, अल्लाह के अहकाम को छुपाने लग गया, गड़बड़ करने लग गया, तहरीफ करने लग गया, फरमाया कि अब तुम्हारा वो रवैया नहीं होना चाहिए और अगर तुम वही रवैया इख्तियार करोगे उन्हीं की राह पे चलोगे तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो उनका, कि जो है अल्लाह के असूल बड़े बेलॉग हैं, अल्लाह असूलों के मामले में रू रायद नहीं करते, अल्लाह के असूल सबके लिए एक साथ तवल्लो और अगर तुम इराज करोगे फिरोगे फअलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअदि ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरन मिनन्नासि लफासिकून कि अगर फरमाया कि जो है कुरान आने के बाद अगर जो है तुम भी वही रास्ता इख्तियार करोगे जो अहले किताब ने किया तो फिर याद रखो कि जिस तरह अभी मैंने बयान किया कि अंजाम भी वही होगा जो होगा अन्नमा युरीदुल्लाह कि अल्लाह का इरादा मशीयत ये है अन युसीबहु कि वो फिर उनका भी वही हाल करे बिबादि ज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब जैसे कि पहलों का कर चुका है, यानी अल्लाह ताला ने जो उसूल ज़ाब्ते मुतय्यन कर दिए हैं और ये कसवटी है मयार है तो जो अल्लाह की ताबेदारी करेगा वो तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो उसका वही हाल होगा जो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का पहले हुआ, और जो है अल्लाह के जो उसूल है दोहरे मयार नहीं, अल्लाह के अल्लाह का एक ही है सबके लिए एक ही मयार। وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ یہ چیز سمجھنے والی ہے جس کا پہلے بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ لوگوں میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پوری انسانی تاریخ کو دیکھ لیں، انسانی تاریخ کا ہر دور دیکھ لیں، اس کے اندر ہر دور کے اندر تاریخ کے ہمیں فاسق ہی زیادہ ملتے ہیں، نافرمان ہی زیادہ ملتے ہیں، کافر ہی زیادہ ملتے ہیں، اور اللہ کے خالص بندے اللہ کے مخلص بندے اللہ کے تابع دار بندے ہر دور میں تھوڑے رہے، تو یہ بھی اللہ تعالی نے اسی چیز کا اظہار فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ کہ لوگوں میں سے جو اکثریت ہے کثیر کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وہ فاسقوں کی نافرمانوں کی۔
अफ हुक्म जाहिलियत यबहून, कि क्या ये लोग जाहिलियत के जो है अब जो फैसले हैं उनके तलबगार हैं। अफ हुक्म जाहिलियत, हुक्म जो है ये फैसले करने के मानों में, और जाहिलियत जाहिलियत जो भी अल्लाह के नाजल किए हुए की चीज मुकाबल आती है उसको जाहिलियत कहा कुरान माँ अंजल अल्लाह, वो है हदायत, और माँ अंजल अल्लाह के मुकाबल जो भी चीज है उसको जाहिलियत कहा कुरान। हुक्म जाहिलियत, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ कर जो जाहिलियत के तरीके हैं, जो जाहिलियत के असूल हैं, कवानीन हैं, या बहुत क्या ये लोग उनके तलबगार हैं, ये उनके मुताबिक अपने फैसले करवाने चाहते हैं। वमन अहसन मिन अल्लाह हुक्म लिकौमी यूकिनून, ठीक है जो नाफरमान है, काफर है, मुशरिक है, अल्लाह के बागी हैं, वो तो ठीक है दूसरे निजामों के मुताबिक दूसरे कवानीन के मुताबिक अपने फैसले करवाते रहे, कि उनकी लाइन ही वो है, उन्होंने जाना ही मतलब जहन्नम के घड़े में है, उनको तो जाने दो कि वो रहा है। लेकिन जो यकीन रखने वाले, ईमान रखने वाले लोग हैं, फरमाया कि उनके लिए तो फिर अल्लाह के अहकाम ही फैसला करने के लिए है। वमन अहसन मिन अल्लाह हुक्म लिकौम यूकिनून, जो ईमान वाले हैं, ईमान की राह अख्तियार करने वाले हैं, उनके लिए तो अल्लाह के अहकाम ही तहकीम का फरीजा सर अंजाम दे सकते हैं, और वो बातिल और तागूत के निजाम के मुताबिक अपने मामलात की तहकीम नहीं चाहते, और वही जो अल्लाह ताला ने ऐसा करने वालों को काफिर, जालिम और फासिक कहा पिछले याद में, तो यहाँ भी वही मुराद है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की, दीन को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।